नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा के पूर्व विधायक व बसपा सरकार में मंत्री रहे चंद्रदेव राम यादव करैली ने सिधारी कटघर स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से उनकी कलम के माध्यम से देश को बचाने की अपील की। साथ ही सपा नेता ने कहा कि बिना अखिलेश को सत्ता मिलाए देश और प्रदेश बाख नहीं सकता। मौजूदा भाजपा सरकार पर भी सपा नेता जमकर बरसे, तो वहीं अपनी पुरानी पार्टी बसपा को उन्होंने भटका हुआ बता दिया। चंद्रदेव करैली ने कहा कि बसपा अब काशीराम व बाबा साहब के बताए रास्ते से भटक गई है, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और आगे भविष्य में वह सपा के राजनीति पर आगे काम करते रहेंगे। सपा नेता ने अखिलेश की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और फिर दोहराया कि अखिलेश ही प्रदेश और देश को बचा सकते हैं। पत्रकारों से बातचीत में चंद्रदेव राम यादव करैली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी करती है, झूठ बोलती है, काम कुछ नहीं हो रहा है। यूपी की भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, वैश्विक महामारी, कोरोना, किसानों की समस्या, सभी मुद्दों पर फेल हो चुकी है। राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए सपा नेता ने कहा कि अब भाजपा को मंदिर का मुद्दा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तो मंदिर बन ही रहा है। कानून व्यवस्था, कोरोना, शिक्षा इत्यादि पर भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सबसे पहले तो आपका उद्देश्य ये बता दें कि आज 8 तारीख को हमारा जन्मदिन है, तो हमने ये भारत में जो लोकतंत्र है उसको बचाने में सबसे अहम भूमिका आपकी रहती है, तो आप लोगों के साथ बैठने में हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को बुला करके और साथ बैठ करके और जो हमारे मन में बात है उसको बता दें और आप लोगों को धन्यवाद दे दें कि आप लोग इसी तरह बढ़ते रहिए और देश की रक्षा के लिए अपनी कलम को चलाते रहिए, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चलाते रहिए, तब यह देश बचेगा। आज जन्मदिन के मौके पर हमने ये संकल्प लिया कि माननीय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज पूरा तन मन धन से हम संकल्प लिए हैं कि रातों दिन प्रयास करके और जनता से अपील करके वो समाजवादी पार्टी के नीत और नियम को बता करके और सारे लोगों को एकजुट करके सबको बराबर का दर्जा देते हुए, सबको सम्मान, सबका काम करते हुए और फिर उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। ये आपसे भी हम अपील करेंगे कि बिना अखिलेश के अब उत्तर प्रदेश और देश बच नहीं सकता। अच्छा, क्या बहन जी में क्या कमी रह गई कि आपको पूरा सम्मान मिला? ये आपका कहना वाजिब है, क्योंकि हमने संघ 84 से बहुजन समाज पार्टी की सेवा किया और बड़े बड़े पदों पर रहे। आप ये बात जो कह रहे हैं ये आप जानते भी हैं और लेकिन आप पूछेंगे सबको जनाने के लिए, जो पार्टी का माननीय काशीराम साहब ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साक्ष मान करके और उन्होंने जो पार्टी बनाया, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजलूमों को, उनको आवाज़ देने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए और उनको हक अधिकार हमारे अकलियत के साथियों को देने के लिए जो उनकी सोच थी उस पर पार्टी कुछ दिन चली और उसी की देन थी कि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। तो अब कहीं न कहीं कोई कारण हुआ जिस कारण से पार्टी जो रास्ता था उससे भटक गई। तो आप उसको ले आने के लिए, सही रास्ते पर ले आने की कोशिश की, तो आपने पार्टी को बोले? असल में तो देखिए पार्टी पर लाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। देखिए ऐसा है, ये सरकार जो बीजेपी की बनी है ये झूठ बोलने की माहिर है और इन्होंने कहा कि हम किसानों की आमदनी दूना कर देंगे, ऐसा उनका काम है, वही है।
मंदिर बनना है, बन रहा है, बन शिलान्यास हो गया, अब तो चुप हो जाए, बनने दे। क्यों? किसी बिल्डिंग का, किसी चीज का शिलान्यास हो गया रोज, उसको क्या कहने से क्या कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है, बनने दे हम मंदिर। अच्छा आज आप बताइए, पहले तो 10-15 दिन किसी न किसी स्कूल में रख करके उनको भोजन भी एक बेला दो बेला चार बेला दे देते थे, आज कहाँ मिल रहा है? कहीं किसी को खाने का मिल रहा है व्यवस्था? किसी को रखने की व्यवस्था है? किसी को कोई दवा मिल रही है? एक पैसा किसी भी कोरोना के मरीज को नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये सरकार पूरी तरह इस पर फेल है।